असल क्लास आई होप यू वेल बी फाइन हेम यूर साइंस टीचर टुडे वार व बुक पेज नंबर थर्टी वन यू नोट फोर द लाइफ साइकिल ऑफ़ एनिमल्स तो इसका वह बुक पेज नंबर थर्टी वन है फर्स्ट पे चूज़ द करेक्ट आंसर हमने करेक्ट आंसर पे ना सर्कल करना है फर्स्ट वाला हमारा वट डज द लाइफ साइकिल शो के जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या शो करती है तो यहाँ पे चार ऑप्शन है फर्स्ट वाला है हाउ एंड एनिमल्स लिवस के एनिमल्स कैसे रहते हैं दे फूड एंड एनिमल ईट के वो कौन सा फ़ूड खाते हैं ऑल द स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ के एनिमल्स की स्टेजेस में जितनी भी लाइफ स्टेज आती हैं लाइफ में वो उनको शो करता है द वे एन एनिमल्स मूव के एनिमल्स कैसे मूव करते हैं उसको शो करते हैं तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है वो क्रैक टेक्स स्टेजेस ऑफ एन एनिमल्स लाइफ के एनिमल्स की लाइफ में जितनी भी स्टेजेज़ आती है लाइफ साइकिल उसको शो करता है तो हम इस पर सर्कल करेंगे आगे सेकेंड वाला विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग हमने उस पर सर्कल करना है जो फ़्रॉक की लाइफ साइकिल की स्टेज नहीं है तो हम पहले फ़्रॉक का लाइफ साइकिल देखते हैं फर्स्ट पे हमने देखा था एग फिर यहाँ पर टेडपोल है फिर यहाँ पे बैक लेग ग्रो फ्रंट लेग ग्रो टेल डिसअपियर ये फ़्रॉक का लाइफ साइकिल है अब यहाँ पे है बटरफ्लाई का एग कैटरपिलर्स प्यूपा अभी हम इसको देखते हैं यहाँ पे उन्होंने डाइट किया फ्रॉक बी वाला है एग सी वाला प्यूपा और डी वाला टैडपोल विद बैक लेग आगे यहाँ पे फर्स्ट वाला भी फ्रॉक के लाइफ साइकिल में है एग भी है टेडपोल भी है सी प्यूपा वो बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में था तो हम इस पर सर्कल करेंगे ये फ्रॉक का फ्रॉक के लाइफ साइकिल में नहीं है आगे हमारा थर्ड वाला एन अडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्राम जो अडल्ट बटरफ्लाई होती है वो क्या इमर्ज करती है तो हमारा ना सी वाला ऑप्शन ठीक है एग तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे वेयर डू बर्ड बिल्ड नेस्ट के जो बर्ड होते हैं वो अपने जो नेस्ट होते हैं कहाँ पे बिल्ड करते हैं तो हमने रीडिंग में एक पैरा और ये बुक का पेज नंबर थर्टी नाइन है इस पर हमने यहाँ पे, हम हाँ पे पहना पढ़ा था कि बर्ड बिल्ड देयर नेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ प्लेस के जहाँ पे भी ज... बर्ड जो होते हैं ना जहाँ मर्जी अपना जो नेस्ट होता है उसको बिल्ड कर लेते हैं तो वो हमारे ऑप्शन में है वॉल ट्री क्लिफ एंड ऑल ऑफ देम तो हम डी वाले पोर्शन पर सर्कल करेंगे ऑल ऑफ़ देम के जो बर्ड्स होते हैं वो ऑल काइंड ऑफ प्लेस पर अपने नेस्ट जो होते हैं उनको बिल्ड कर लेते हैं आगे हमारा लास्ट वाला विच टाइप ऑफ एनिमल हैज़ द स्टेजिज एग रे अडल्ट इन द लाइफ साइकिल्स और ये किसकी लाइफ साइकिल की स्टेज है वो कह रहे हैं तो हम देखते हैं तो ये है फ़िश का लाइफ साइकिल एग प्रे अडल्ट फिश तो यहाँ पे ऑप्शन है फिश बर्ड इंसेक्ट्स मेमल्स तो हम फिश पे सर्कल करेंगे ये हमारा पॉइंट जो है करेक्ट है नेक्स्ट हमारा फिल इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड गिवन ब्लो हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके ये गैप्स फिल करने हैं फ़र्स्ट पे आप बर्ड ले डैश इन अ नेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स होते हैं ना वो एग देते हैं अपने नेस्ट में तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एग इन आ नेस्ट सेकंड वाला है फ्रॉग ले डैश इन डैश फ्रॉग भी एग देता है और वो एग देता है वाटर में जाके तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एग इन वाटर थर्ड वाला है टेडपुल डिवेल्प इन टू डैश के जो टेड पुल होता है वो किस में डिवेल्प करता है टेडपुल अब यह देखें यहाँ पे है टेडपुल और टेडपुल आगे ग्रो कर जाएगा डल्ट फ्रॉग में ये टैड डेडपूल और इसने डिप किया फ्रॉग में तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फ्रॉग ये नेक्स्ट पेज है व बुक का पेज नंबर थर्टी टू यहाँ पर हमारा फोर्थ वाला फिलिंग दी ब्लैंक है फिश एक्ट डिवेल्प इन टू डैश बिफोर बिफोर टर्निंग इन टू फिश तो यहाँ पर हम राइट करेंगे फ्रे फिफ्थ वाला है फिफ्थ वाला है बेबी बर्ड कैन नॉट डैश और फ्लाइ जो बेबी बर्ड होता है ना वो देख नहीं सकता तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सी और फ्लाई दे हैव अ नो फिदर्स और उसके पास फिदर्स भी नहीं होते पर भी नहीं होते जब बेबी बर्ड पैदा होता है ना वो ब्लाइंड होता है देख नहीं सकता और उड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास फिदर नहीं होते यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ पोस्टर टू शो वॉट हैपनिंग इन द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग और ये बाप का काम है आपने एक पोस्टर बनाना है जिसमें शो करने के लाइफ साइकिल फ्रॉग के लाइफ साइकिल में क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मार्क दिस स्टेटमेंट विद टिक और क्रॉस तो हमने टिक और क्रॉस से इन स्टेटमेंट्स को टिक करना है फ्रॉग एग और कॉल स्पेन के जो फ्रॉक एग होता है उसको क्या ये स्पेन कहते हैं तो ये हमने यहाँ पर देखा था फ्रॉग एग उसको हम कहते हैं स्पेन तो हम यहाँ पर टिक करेंगे सेकेंड वाला है बर्ड हैच आउट ऑफ एग जो 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 बर्ड्स होते हैं एग को तोड़ के बाहर निकलता है ये भी हमारे स्टेटमेंट टिक है तो हम यहाँ पर भी टिक करेंगे थर्ड वाली है बेबी बर्ड कैन सी वेल वेन दे और बर्न के जब बेबी बर्ड पैदा होता है तो वो अच्छे तरीके से देख सकता है लेकिन हमने पढ़ा कर जब बेबी बर्ड पैदा होता है तो ब्लाइंड होता है देख नहीं सकता तो ये स्टेटमेंट हमारी क्रॉस है हम इसको क्रॉस करेंगे अब यहाँ पर राइट किया यंग फ्रॉग आर कॉल्ड फ्रे उन्होंने बोला जो फ्रॉग है इसको फ्रे कहते हैं तो ये क्रॉस है फ़िश को फ्रे कहते हैं तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे लास्ट वाले ये है, कैटरपिलर हैच आउट ऑफ एग अब ये बटरफ्लाई है यहाँ पे ये यह जो है कैटरपिलर है और ये एग्स है तो एग को हैच करके कैटरपिलर जाएंगे ना तो ये स्टेटमेंट भी हमारी टिक है तो हम ये वाला इसको टिक करेंगे ये आपकी आज की डाइडी है लर्न प्लस राइट व बुक पेज नंबर थर्टी वन एंड थर्टी टू ये आपने सॉल्व करना है थैंक यू